हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड आज हम सेटअप करेंगे अपनी टेबल, जो देख सकते हो आप इस तरीके से। आपको अपनी टेबल में सबसे ज़्यादा डेकोरेटिव थिंग्स रखनी है, जैसे मेरी बहन ने नोट बना रखे हैं, देख सो, क्योंकि मैं तो ऐसे नहीं बना सकती। तो सबसे पहले आपको टेबल को वहाँ पर रखना है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट आ रही हो। जैसे इस एरिया में हमारे घर के पूरे सबसे ज़्यादा लाइट होती है, ठीक है? तो हम इसे सेट करते हैं। तो फर्स्ट वी विल पुट सम डेकोरेटिव थिंग्स ऑन दैट। और पुटे ने बॉक्स है, मैंने यहाँ पे एक बॉक्स रखा जिसमें कि मैं यहाँ पे थोड़ी सी कॉमिक्स रखूंगी एंड उसके ऊपर रख के टाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा लगता है। देखो अभी हमें इसे यहाँ पे इसे से थोड़ा सा डिस्प्ले करना है, क्योंकि इसे यहाँ पे हम इधर नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा वो शो खराब करेगा। यहाँ पे आएगा लैम्प एंड यहाँ पे आएगी बुक्स, ठीक है? थोड़ी सी तो यहाँ पे हम थोड़ा भी इसका अलग सेटअप करेंगे, देखना कैसा लगता है। अब आप सोचो कि बुक्स कहाँ गई, तो बुक्स यहाँ पर मैंने डाल दी हैं, देखो, ठीक है? पीछे की साइड जो भी बुक चाहिए होगी उसे ऐसे स्क्रैच करके निकाल लेना, ठीक है? देखो तो इस काफ़ी सारी यहाँ बुक्स हैं, अभी और डालेंगी। तो फिर इसके बाद मैं दिखाऊंगी कि आपको, अगर आपके पास कैमरा होल्डर नहीं है तो उसे सेटअप कैसे करें। उसके बाद ये वास हम यहाँ पे ऐड करेंगे, जिसमें कि हमने काफ़ी सारे यहाँ पे स्केचेस हैं एंड एज यूजुअल यहाँ पे ग्लू तो हमें यूज ही रहता है, हमेशा उसका काम रहता है। ऐसे हम इसको यहाँ रख देंगे एंड देखो पेन्स पेंटोनिक के हैं, नीचे लिंक दे दूँगी, ले लेना। एंड काफ़ी सारे अलग अलग शेड्स हैं, डबल साइड टेप है, यहाँ पे पेंसिल होल्डर है। पूरा भी सेटअप करने में काफ़ी टाइम लगेगा। एंड यहाँ पर आ गया हमारा लैम्प, जिसमें कि मैंने स्टिकर्स चिपका रखे हैं एंड यहाँ से ऐसे स्विच ऑन हो जाएगा, ठीक है? तो अभी तो हमने यहाँ डिक्शनरी थी यहाँ पे, है ना, एंड एक डायरी भी है मेरी यहाँ पे। सो ये वाली डायरी है, ठीक है? एंड दो किट हैं, और यहाँ पे देखा वर्ड, ये पापा की फ़ोटो एंड काफ़ी सारे ग्लूज वगैरह वगैरह। अभी हमें और ज़्यादा सेटअप करना। तो यहाँ पर दो बुक्स मैंने ली हैं, एक ड्राइंग की है, क्योंकि बिना ड्राइंग के मैं कहीं नहीं जी पाती हूँ, ठीक है? एक ड्राइंग की है जो कि कौन सी क्लास की है, जो कि एट्थ की है, एट्थ की। सो बुक्स को हम यहीं पार्टीशन में ऐड करेंगे जहाँ पर हमारा है। ये देखो मैंने इसे टेढ़ा कर दिया थोड़ा सा, बुक्स का स्पेस बना रहना चाहिए, ठीक? बुक्स का मैंने इसलिए यहाँ पे ऐसे पार्टीशन करा है क्योंकि जब आपको कभी भी बुक डालनी हो कोई नई कोई अलग सी, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है? अभी आधे से तो मेरी टेबल रेडी हो चुकी है एंड अब मैं आपको बताऊँगी कि आप, आपके पास अगर कैमरा होल्डर नहीं है तो उसको कैसे होल्ड करें एंड साथ में इंट्रो वीडियो भी डालूँगी। फर्स्ट आपको कोई बेड टेबल लेनी है, अगर आपके पास बेड टेबल अवेलेबल नहीं है तो आप कोई और सा भी टेबल यूज़ कर सकते हो, ठीक है? कैमरे को नॉर्मल तरीके से होल्ड करना चाहिए, इसमें होल्ड करना रहता है, ठीक? फिर बेड टेबल को स्पेस के वाइज से इस तरीके से लगा, ठीक? स्पेस लगा दोगे, फिर यहाँ पर एक होल आता है, वहाँ पर इस तरीके से होल्ड कर दो एंड यहाँ पर आप जो भी करना चाह रहे हो कर सकते हो। इट छोटा सा तरीका बताया मैंने आपको, ये है ना। इस तरीके से आप अपनी टेबल को भी सेट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो टेबल है वो अवेलेबल अच्छे से हो जाएगी। देखो यहाँ पर स्पेस खाली रहता है तो आप लेकिन पैड के लिए रेडी हो। एंड चेयर को कैसे सेटल करें, ये सबसे मेन क्वेश्चन रहता है कि हाउ कैन वी सेटल अ चेयर विद द कंफर्टेबल पिलोज एंड टिश्यू वगैरह वगैरह की चीज़ें रहती हैं यहाँ पे, ठीक है? तो सबसे पहले आपको एक चेयर लेनी है, कंफर्टेबल सी चेयर ले लेना। टेबल कवरिंग चेंज करना है तो ये कवर हम लगाएंगे इस पर, देखो टेबल वुड की है। चेयर टेबल तो सेट हो गई है, देखो कितनी प्यारी लग रही है। अब हमें चेयर को सेट करना है, देखो टेबल भी सेट, चेयर भी सेट हो गई है, देखो सब सेट हो चुका। तो सो थैंक